हे रे पोकेमोन ट्रेनर्स, दिस इज और ग्लिच। और आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं पोकेमोन यूनाइट की एक और नई वीडियो में। तो गाइस फाइनली कल हमारे गेम में मेटाग्रॉस आने वाला है, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेटाग्रॉस से रिलेटेड सब कुछ जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कौन कौन से इसके अटैक्स रहेंगे, कौन कौन से हेल्ड आइटम और बैटल आइटम्स मेटाग्रॉस के साथ वर्क करने वाले हैं, और कौन सा इसका बेस्ट एम्बलम सेट बनने वाला है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेटाग्रॉस जो कल आपके गेम में आने वाला है वो बफ्ड रहने वाला है पीटीएस के हिसाब से, क्योंकि पीटीएस में मतलब वो हम लोग को पसंद नहीं आया था तो इसको बफ किया गया है, और शायद से हो सकता है, और हाँ शायद से ये बफ मेटाग्रॉस को हमारा फेवरेट पोकेमोन में बना देगा। और इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक पे जाऊँ, कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि मेटाग्रॉस एक अटैक बेस्ड ऑलराउंडर है और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल इंटरमीडिएट है, और मेटाग्रॉस से पहले इसके दो प्री इवोल्यूशंस है। तो चलो इसका मेन टॉपिक मेटाग्रॉस का अटैक्स और मूव्स के बारे में बात कर लेते। तो मेटाग्रॉस और उसके सारे प्री इवोल्यूशन का थर्ड अटैक इनका बूस्टेड अटैक होगा, और जिसमें ये एक्स्ट्रा डैमेज दे पाएंगे, और थर्ड अटैक में इनका रेंज भी इंक्रीज हो जाएगा जिससे आप मल्टीपल पोकेमोन्स को मार सकते हो। और अगर आपके बूस्टेड अटैक ने किसी अपोनेंट पोकेमोन को हिट कर दिया तो आपका मीटियोराइड स्मैश और गायरो बॉल का कूलडाउन भी कम हो जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपने बूस्टेड अटैक से दो या उससे ज़्यादा पोकेमोन्स को मार दिया तो आपका कूलडाउन और कम हो जाएगा। ये आपको एक और रीज़न देता है कि क्यों जहाँ पे एनिमीज पोकेमोन ज़्यादा मतलब फाइट चल रही है वहाँ पे आप लोग को घुसना चाहिए, आप लोग का कूलडाउन बार बार इंक्रीज़ होता रहेगा और आप लोग लगातार मतलब एनिमी पोकेमोन्स को डैमेज दे सकते हो, उनको मतलब डिफीट कर सकते हो। मेटाग्रॉस का पैसिव एबिलिटी भी बहुत अच्छा है जो आपको मल्टीपल एनिमीज से फाइट लेने में हेल्प करेगा। जब आपके आसपास कोई ओपोनेंट पोकेमोन होता है तो इसका पैसिव एबिलिटी आपका हिंड्रेंस इफेक्ट कम कर देता है, और अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा एनिमी पोकेमोन्स हैं जैसे दो तीन एनिमी पोकेमोन्स हैं तो आपका हिंड्रेंस इफेक्ट और ज़्यादा कम होएगा। तो अगर दो तीन एनिमी पोकेमोन्स के साथ आप फाइट ले रहे हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा मतलब एक एडवांटेज मिल सकता है। और गाइस जहाँ तक हिंड्रेंस इफेक्ट की बात आई है तो हो सकता है कि मेटाग्रॉस उन कुछ पोकेमोन्स में से हो जो पिंक एम्बलम्स के साथ बहुत अच्छे से वर्क करेगा और हमारे फाइट्स के बीच बीच में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ओके तो अब अटैक्स की बात करें तो मेटाग्रॉस के पहले दो अटैक बहुत बेसिक होने वाले हैं। उसका फर्स्ट अटैक है टैकल, जो सीधा आप लोग एनिमी की तरफ मतलब एनिमी पोकेमोन जो आपके आसपास होगा उस पर डैश करके एकदम से टकरा जाओगे उसको और उसको डैमेज दोगे। और जो सेकेंड मूव है वो आपका है आयरन डिफेंस, जिसमें आप लोग को एक सील प्रोवाइड होएगा और जो भी आपका नेक्स्ट अटैक होगा आयरन डिफेंस को यूज़ करने के बाद वो एक बूस्टेड अटैक होएगा। तो पहला इवोल्यूशन होने वाला है आपका लेवल 5 पे और फिर सेकंड इवोल्यूशन लेवल 9 पे होने वाला है, और आपका पहला मूव सेट लेवल 5 पे खुल जाएगा और सेकंड मूव सेट लेवल 7 पे, और यूनाइट मूव आपका लेवल 9 पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो लेवल 5 पे आपका फर्स्ट मूव चॉइस आने वाला है जिसमें आप लोग को दो अटैक्स मिल रहे हैं, मीटियर स्मैश और गायरो बॉल। ओके तो जहाँ तक बात करूँ मीटियर स्मैश की, तो पीटीएस के बाद मीटियर स्मैश को थोड़ा सा बफ किया गया है, उसका कूल डाउन डिक्रीज कर दिया गया है थोड़ा बहुत। ये मूव आपके फेस से एक ट्रायंगुलर एरिया में अटैक करता है और जितने भी पोकेमोन उस एरिया में होंगे उन सबको डैमेज पड़ेगा, और फिर आपको एक शील्ड प्रोवाइड हो जाएगी, और जितने पोकेमोन आपके उस एरिया में होंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका शील्ड हो जाएगा और आपका नेक्स्ट बेसिक मूव उतना ही ज़्यादा डैमेज करने वाला है। इसको यूज़ करने के बाद इसका जो नेक्स्ट बेसिक अटैक होगा उसमें आप एक पंच मारोगे जिसमें मीटियर्स शूट होंगे और जो भी उस मीटियर्स की रेंज में आएगा उनको अच्छा खासा डैमेज होने वाला है। तो इसके अपग्रेड की बात करूँ, जब मीटियर स्मैश आपका प्लस हो जाएगा तो अगर आपका ये अटैक अपोनेंट पोकेमोन को लग जाता है तो आपकी एचपी रिकवर हो जाएगी। तो ट्राई करना कि कम से कम तीन पोकेमोन्स को तो इस अटैक से आप हिट कर ही दो। तो अब बात करते हैं लेवल 5 पे इसके सेकंड मूव की। इसका सेकंड मूव है गायरो बॉल, जिसको पीटीएस के बाद अब बफ मिला है, 2 सेकेंड का इसका कूल डाउन रिडक्शन हुआ है। पहले जहाँ ये 7 सेकंड था अब ये 5 ही सेकंड का इसका कूल डाउन हो चुका है। ये मूव आपको तब स्पेशली हेल्प करने वाला है जब आप किसी फाइट के बीच में हो तो आपको मूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि भाई जब इसको आप यूज़ करोगे तो आप हाई स्पीड में स्पिन करोगे एकदम, और जिससे जो भी पोकेमोन उस रेंज में आएगा उसको अच्छा खासा डैमेज पड़ेगा। और जब गायरो बॉल से आप किसी ओपोनेंट पोकेमोन या वाइल्ड पोकेमोन को हिट करोगे तो आपको एक शील्ड मिल जाएगी, और जितने ज़्यादा ओपोनेंट या वाइल्ड पोकेमोन को आप हिट करोगे उतना ज़्यादा आपका शील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। जहाँ तक बात करूँ गायरो बॉल के अपग्रेड की, तो जब आपका शील्ड कुछ टाइम के लिए रह जाएगा मतलब कि एनिमीज आपके शील्ड को तोड़ नहीं पाएंगे तो आपके शील्ड का रिमेनिंग एचपी का 30% आपके एचपी रिकवरी में चला जाएगा।
गायरा बॉल की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप इसको मैग्नेट राइज के साथ सबसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मैग्नेट राइज आपके लेवल 7 के मतलब मूव सेट्स में से एक है, उसके साथ आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, अभी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ओके, तो अब मैं डायरेक्ट बात करता हूँ लेवल 7 के मूव चॉइसेस की। तो उसमें आप लोग को पहला मूव चॉइस मिल रहा है जेन हेडबट और दूसरा मैग्नेट राइज। तो यही मैग्नेट राइज था वहाँ पे जो मैंने बताया था। तो जहाँ तक जेन हेडबट की बात करूँ तो इसमें आप एक साइकिक पावर सामने की तरफ फायर करोगे और उसके बाद उस तरफ टैकल कर दोगे और जो भी पोकेमोन उससे टकराएगा उसको दूर फेंक दोगे आप। और ये अटैक वॉल्स के आर पार नहीं जाती, तो इसको वॉल्स के आर पार मारने की ट्राई मत करना। तो अपग्रेड की बात करूँ तो जेन हेडबट प्लस में जब आप किसी ओपोनेंट पोकेमोन को डैमेज दोगे तो ओपोनेंट पोकेमोन के अटैक्स से आपको मतलब डैमेज कम पड़ेगा, आपका डैमेज रिडक्शन हो जाएगा। और लेवल 7 पे आपको सेकेंड मूव मिलता है मैग्नेट राइज। इसको PTS के बाद नर्फ दिया गया थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ इसमें पहले PTS में 80% का मूवमेंट स्पीड मिल रहा था, अब इसमें सिर्फ 60% का मूवमेंट स्पीड मिलने वाला है। इस अटैक में इलेक्ट्रिसिटी से जनरेटेड मैग्नेटिक फोर्स से आप हवा में उड़ोगे और इसको जब आप यूज़ करोगे तो आपका बेसिक अटैक का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा और जैसे ही आप उसको दबाओगे तो आप एकदम से फोर्स के साथ ज़मीन पे गिरने वाले हो और जो भी पोकेमोन आपके नियर बाय एरिया में होगा उसको बहुत डैमेज करने वाले हो। और फ्लोट करते टाइम आपका मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगा 60% 4 सेकेंड के लिए। जहाँ तक अपग्रेड की बात करूँ तो मैग्नेट राइज प्लस में जब आप फ्लोट कर रहे हो तो आपका डैमेज रिडक्शन हो जाएगा सिर्फ फ्लोटिंग टाइम के लिए। मैग्नेट राइज आपको स्पेशली फाइट्स के बीच में स्टेबल होने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है, जैसे कि अगर आपके इर्द गिर्द 4-5 पोकेमॉन्स हैं एनिमी के और आप उनसे फाइट ले रहे हो तो आपको अगर स्टेबल होना है कुछ सेकंड के लिए तो आप बहुत आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। आप आराम से इसको यूज़ करो और फिर फ्लोट करो, उस टाइम आपका डैमेज कम हो पड़ेगा और आप आराम से मतलब थोड़ा पीछे हो सकते हो या अपना दूसरा कोई मूव चला सकते हो। ओके, तो लास्ट में लेवल 9 पे इसका यूनाइट मूव कॉम्प्यूट एंड क्रैश एक्टिवेट हो जाता है। इसका यूनाइट मूव दो अलग अलग तरीकों से वर्क करता है। अगर आपके इर्द गिर्द 2 या 2 से कम पोकेमोन है तो वो अलग परफॉर्म करेगा और 2 से ज़्यादा पोकेमोन है तो वो अलग परफॉर्म करेगा। जब आप इसके यूनाइट मूव को यूज़ करोगे तो ये एक रेंज में एनालाइज करेगा कि कितने पोकेमोन हैं और फिर नंबर ऑफ पोकेमोन के हिसाब से आपको शील्ड प्रोवाइड करेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका शील्ड होना चाहिए। और एनालाइज करने पर अगर आपके आसपास में 2 या 2 से कम पोकेमोन है तो ये सीधा उनमें से लो HP वाले पोकेमोन के तरफ चार्ज करके सीधा अटैक कर देगा टैकल के फॉर्म में। और अगर आपने KO कर लिया तो यूनाइट मूव का कूलडाउन डिक्रीज हो जाएगा। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा ओपोनेंट पोकेमोन एनालाइज हुए तो आप सीधा लो HP वाले पोकेमोन पे लॉन्च हो जाओगे और फिर इसका यूनाइट मूव एक वॉल क्रिएट कर देगा जिसमें आपके पास तो शील्ड होगी पर आप अच्छा खासा डैमेज कर सकते हो ओपोनेंट पोकेमोन्स को। और अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो मेटाग्रॉस आपको फाइनल स्टेज में रेक्वाजा या जैपडोस लेने में और उसी के साथ फाइनल फाइट जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब लास्ट में इसके हेल्थ आइटम्स और बैटल आइटम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ आइटम्स की बात करूँ तो स्टैक करना आपके पास सबसे बेनिफिशियल रहेगा। तो आप ऐसे हेल्थ आइटम्स ले सकते हो जैसे कि अटैकिंग वेट, एओस क्वाइंट, वीकनेस पॉलिसी, रेजोनेंट गार्ड, और भी बहुत अच्छा रहेगा जैसे कि आप लोग फोकस बैंड के साथ इनको यूज़ करो या मस्कुलर बैंड ले सकते हो, रेजर क्लॉ ले सकते हो और भी कई सारे हेल्थ आइटम्स हैं। आप मैं चार्जिंग चैम का इसके नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने PTS में इसको चार्जिंग चैम के साथ यूज़ नहीं किया था और इतना मूवमेंट वाला इसका है भी नहीं तो चार्जिंग चैम इसके साथ शायद से वर्क नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्टैकिंग है, तो ये सारे आप हेल्थ आइटम्स इसमें यूज़ कर सकते हो। एम्बलम्स की बात करूँ तो 6 ब्राउन और 6 वाइट HP आपको अच्छा खासा दे सकता है, अटैक अच्छा खासा दे सकता है और स्पीड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये तीनों चीज़ आपको मिल जाएगी। और पर मैं एक और चीज़ में ट्राई करना चाह रहा हूँ कि आप लोग एम्बलम्स में पिंक एम्बलम्स को ट्राई करके मुझे बताओ कि कैसा लगा आप लोग को, क्योंकि मैं ट्राई करने वाला हूँ पिंक एम्बलम्स के साथ। क्योंकि जहाँ तक आप लोग को याद होगा कि इसका पैसिव एबिलिटी था क्लियर बॉडी जो कि आप लोग का हिंड्रेंस रिड्यूस करता था, तो पिंक एम्बलम्स आपकी हेल्प कर सकता है। अब अगर मैं बैटल आइटम्स की बात करूं तो आजकल भाई बैटल आइटम्स आप अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, आप भी अपने हिसाब से चेक करो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। मैं बोलूँगा कि मेरे हिसाब से इसको इजेक्ट बटन लेना चाहिए क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपकी HP कम हो और आपके दोनों एबिलिटीज़ जो हैं वो कूल डाउन पर गए हुए हों तो आप लोग को भागना पड़ सके। इजेक्ट बटन और वैसा कोई जैसे कि आप एक्स स्पीड ले सकते हो, एक्स अटैक भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब आपके ऊपर है क्योंकि कई लोग आजकल अलग अलग चीज़ यूज़ कर रहे हैं, किसी को फुल HP चाहिए तो किसी को कुछ, तो वो आपके ऊपर है।
तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।